प्रदेश की बीजेपी सरकार के अब तक फैसले और कार्यप्रणाली नकारात्मक रही है और पिछली कांग्रेस सरकार के फैसलों को पलटने की प्रवृत्ति रही है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा है, जो कि गलत है क्योंकि विधायकों को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित किया है और बाद में हाईकोर्ट के फैसले आने पर साफ हुआ है कि चुनाव आयोग पर शिष्य बना हुआ है। ये आरोप प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पत्रकार वार्ता में लगाए। वहीं प्रेम कौशल ने पार्टी से निष्कासित होने के बावजूद पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेताओं को भी नसीहत दी है कि ऐसा न करें। प्रेम कौशल ने कहा कि मोदी सरकार में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और चुनाव आयोग केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार के फैसले भी जनता के हितकारी नहीं रहे हैं और केवल मात्र पिछली सरकार के फैसलों को पलटने में ही समय लगाया है। कि पूरे प्रदेश में जितने भी निष्कासन हुए कांग्रेस पार्टी के अंदर, उनमें अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके साथ नाजायज हुआ है, अन्याय हुआ है, तो बजाय मीडिया में बयानबाजी करने के, किसी नेता को के प्रति टिप्पणी करने के, कांग्रेस पार्टी इज ए डेमोक्रेटिक पार्टी, हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, ऐसे व्यक्तियों को, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे प्रदेश के रेफरेंस में कह रहा हूं, ये ऐसे लोगों को किसी को लगता है कि उनका निष्कासन गलत हुआ है, तो गलत तथ्य पेश किए गए हैं, तो उसको पार्टी के अंदर पार्टी नेतृत्व के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए, तथ्यों के साथ अपील करनी चाहिए, इंसाफ होगा। अब इसमें गुटबाजी की भी कोई बात नहीं है। अब सुजानपुर से जिन लोगों की शिकायत राजेंद्र राणा जी ने की, सुजानपुर में भी निष्कासन हुए। हमीरपुर से कुलदीप पठानी कैंडिडेट थे, उन्होंने जिन लोगों की शिकायत की, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों ने जिनकी शिकायत की, वहां भी निष्कासन हुए, बरसर में भी हुआ। तो कोई एक विधानसभा क्षेत्र इसका अलग से उदाहरण नहीं हो सकता। ये एक ऐसी कार्रवाई थी जिसको कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के अनुमोदन के बाद अमल में लाया गया। उस अब तक जितने फैसले सरकार ने लिए हैं, जो काम सरकार ने किया है, जो बजट सरकार का है, उससे कहीं भी ऐसा कोई रिफ्लेक्शन नहीं है कि सरकार कुछ नया करने जा रही है। और अभी तक की जो वर्किंग सरकार की रही है वो नकारात्मक रही है। पिछली सरकार के जो फैसले हैं उनको पलटने की, और सबसे बड़ा जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अब तक अहित किया है वो किया है युवा वर्ग का। बेरोजगारी भत्ते कोई बजट नहीं रखा, जबकि हमारी सरकार के समय में बेरोजगारी भत्ते को लेकर बहुत सोच करते थे। और नए जो रोजगार हैं उनके सृजन की कोई झलक जो है वो बजट में नहीं मिलती। इस वक्त ऐसा है कि पूरी तरह से जो हमारी गवर्नमेंट के टाइम में अलग अलग विभागों में भर्तियों की प्रक्रिया चल रही थी और अंतिम चरण पर थी, पूरी पारदर्शिता के साथ जिसका जो प्रोसेस हुई थी उनको रद्द कर दिया गया और अब ट्रिब्यूनल से किसी भर्ती को लेकर फैसला आया कि वो बरकरार रहेगी उसको प्रोसेस को। तो ये बेरोजगारों के साथ एक बड़ा भद्दा मजाक है, व्यवस्था के प्रति भी एक बड़ा भद्दा। अब जो भी नए सिरे से कोई नौकरियां निकलेंगी तो वही लोग हैं, वही ऑफिसर हैं, वही सिस्टम है, उसी के तहत होंगी। तो इसलिए क्योंकि सरकार बदल गई है, अब पिछला जो सारा प्रोसेस है उसको रोक देंगे,